कई बार नहीं, मन कभी नहीं जीतता, निर्णय होता है तुम्हारा। सबसे पहले तो जिम्मेदारी लेना सीखिए, ये मन और आत्मा की लड़ाई नहीं है, अहम का चुनाव है कि वो वृत्तियों के साथ जाएगा या सत्य के साथ जाएगा। इसमें कोई मजबूरी इत्यादि नहीं है, जिम्मेदारी लीजिए कि आपने चुना है। चेतना का अर्थ ही है चुनाव, और आप चैतन्य हैं, चैतन्य होने का अर्थ है कि आप चुन रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी से आप पीछे नहीं हट सकते। बेहोश जो होता है बिल्कुल, वो नहीं चुनता, जो होता ही नहीं है वो भी नहीं चुनता, जो नहीं है वो नहीं चुन सकता, जो बेहोश है, जो है तो पर बेहोश है, वो भी नहीं चुन सकता। पर आप तो चैतन्य है ना, और चेतना का मतलब ही होता है कि आप सदा अर्ध चैतन्य हैं। जो आप कहते हो कि मैं चैतन्य हूँ कॉन्शियस, तो कभी भी आप पूर्ण चैतन्य तो होते नहीं, अर्ध चैतन्य हो। और जो अर्ध चैतन्य है वो चुनेगा ज़रूर, अब आपको देखना है आप क्या चुनते हो। सबसे बढ़िया उदाहरण इसमें मेरे अनुसार अधजगे आदमी का है, सुबह सुबह 5 बजे अलार्म बजता है, वो आधी नींद में है, आधा जगा है, और उस अवस्था में वो चुनाव करता है कि अलार्म को बंद कर देना है या कंबल को उतार देना है। दोनों निर्णय हो सकते हैं ना। उस अधजगी हालत में वो या तो अलार्म बंद कर दे या रजाई अलग करके बिस्तर से उतर जाए। अलार्म बंद कर देगा तो वो जो अधजगी हालत थी वो पूरे तरीके से नींद में गिर जाएगी, और अगर बिस्तर से उतर जाता है तो पहले अधजगा था फिर पूरा जग जाएगा। अधजगी हालत में आप जो करते हो वही निर्धारित करता है कि अब आप पूरे जगोगे या पूरे सो जाओगे। बीमार हो तुम, तुम्हें परहेज और दवाई के लिए कहा गया है, हो तो बीमार ही ना, लेकिन स्वस्थ होने का विकल्प है तुम्हारे पास। बीमारी की अवस्था में तुम जो करते हो वो तय करेगा कि तुम स्वस्थ हो जाते हो या और बीमार। तुम चाहो तो परहेज करो, तुम चाहो तो दवा लो, तुम चाहो तो दवा मत लो। तो आप कह रहे हो कि मैं को मन और आत्मा में चुनना होता है, मन हावी हो जाता है। नहीं, नहीं, सर्वप्रथम तो चुनाव को होते हुए देखो, देखो कि चुनाव है। अधिकांश लोग तो मानते ही नहीं कि वो चुन रहे हैं, सालों लग जाते हैं उनको ये मनवाने में कि भाई तुमने चुना, भले बेहोशी में चुना, भले तुम्हें पता भी ना हो कि तुमने चुना, पर देखो तुमने चुना। तो पहले तो ये मानो कि तुमने चुना, और ये मानने के बाद अब अपना चुनाव ठीक करो। अगर तुम मान ही नहीं रहे हो कि तुमने चुना, अगर तुम कह रहे हो साहब मैं तो कठपुतली हूँ या मशीन हूँ, मुझसे तो बस हो जाता है, तो फिर तुम यहां बैठ के क्या कर रहे हो? मशीनों के लिए कोई सत्संग नहीं। अगर तुम यहां बैठे हो तो तुम जिम्मेदारी ले रहे हो ना, तुम कह रहे हो जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी सहमति से हो रहा है, और अगर मेरी सहमति से हो रहा है तभी सुधार हो सकता है। अगर उसमें तुम्हारी सहमति नहीं है, अगर उसमें तुम्हारी साझेदारी नहीं है, तुम उसमें शामिल ही नहीं हो, प्रतिभागी ही नहीं हो, तो तुम यहां कर क्या रहे हो फिर? फिर तो लेना एक ना देना दो, वो घटना अपने आप घट रही है।
तुम्हारा वहाँ कोई स्थान ही नहीं है। नहीं, तुम्हारा स्थान है और बड़ा केंद्रीय स्थान है तुम्हारा, सही चुनाव करो। लगातार सतर्क रहो अपने चुनावों के प्रति। और प्रश्न इसमें यह नहीं है कि तुम सही चुनाव कर रहे हो गलत चुनाव कर रहे हो, प्रश्न इसमें यह है कि तुमने चुनाव होते देखा भी कि नहीं देखा। हमारी हालत यह है कि हमसे चुनाव हुए जा रहे हैं और हमें पता भी नहीं लगता कि हमने चुना, हमें लगता है कि ये तो बस यूं ही हो गया, या हमें लगता है कि जो हो रहा है वो सहज है, स्वाभाविक है। वो स्वाभाविक नहीं है, वो तुमने कर डाला है। सबसे पहले तो तुम अपने भीतर वो दृष्टि लाओ जो तुम्हें सबल करे, जो तुम्हें बताए कि देखो अभी अभी ये हुआ, ये आवश्यक नहीं था कि होता, ये तुम्हारी रजामंदी से हुआ, ये तुम्हारी भूल से हुआ, ये तुम्हारी विक्षिप्तता से हुआ, ये आवश्यक नहीं था भाई। ये जो भी कुछ हो रहा है ये बदल सकता था। इस पल तुमने ये जो कर डाला, इस पल ये जो तुम हो गए, इस पल ये जो तुमने सोच डाला, ये यंत्रवत नहीं है, ये आवश्यक भी नहीं है। आवश्यक क्या होता है? मात्र सत्य। यंत्रवत क्या होता है? वो जो बिल्कुल मुर्दा है। तुम्हारी हालत बीच की है, ना तो तुम बिल्कुल मुर्दा हो और न ही तुम सत्यस्थ हो, तुम तो बीच के हो, तुम चैतन्य हो, जिसको मैं कहता हूं अर्ध चैतन्य। तुम्हें मानना पड़ेगा कि जो हो रहा है तुम और सिर्फ तुम उसके जिम्मेदार हो। और जैसे ही तुम ये मानते हो, बड़ी ताकत खुल जाती है तुम्हारे लिए, अब कुछ बदल सकता है। जिसने माना ही नहीं कि जो हो रहा है वो उसके चाहने के कारण हो रहा है, वो उसकी मर्जी से और उसकी ऊर्जा से हो रहा है, वो क्या बदल पाएगा? जो एक वाक्य अध्यात्म की तुम्हारी यात्रा ही रोक देता है वो ये है कि मैं विवश था, मैं मजबूर थी, या मुझसे ऐसा हो जाता है, मैं क्या करूं, मैं तो ऐसा ही हूं, ये मेरी आदत है, मैंने कोशिश की पर मुझसे हुआ नहीं, ये झूठ 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 झूठ। और सच ये है कि ये झूठ बोलने का भी निर्णय तुम ले रहे हो। पहली बात तो ये कि जिसको तुम मजबूरी कह रहे हो वो झूठ है, और दूसरी बात ये कि तुमने जो झूठ बोला वो भी तुमने संयोगवश नहीं बोल दिया, ये भी एक सुविचारित झूठ है, कुविचारित कहना चाहिए। तुम्हारी हालत ऐसी है कि कोई साजिश करे और फिर मासूम चेहरा लेके खड़ा हो जाए, मैंने क्या किया? मेरा भोला चेहरा देखो, मैंने क्या किया? और फिर साक्ष्य दिखाए जाए कि देखो तुम्हीं ने तो किया, तो तुम कहो मुझसे तो हो जाता है। कई बच्चे होते हैं वो बिस्तर पर मुक्ति कर देते हैं, बिछौने पर ही रात में पेशाब कर देते हैं, सुसु। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि ऐसी घटनाएं जाड़ों में कहीं ज्यादा होती हैं गर्मियों की अपेक्षा। अब तुम बताओ हो गई या करी? अगर तुम मजबूरी होते
कि छुल्ल से निकल गई, हम क्या करें। तो गर्मी में भी निकलनी चाहिए थी, जाड़े में ही तुम क्यों बिस्तर खराब करते हो, जल्दी बोलो। क्योंकि तुम्हारी रजामंदी से निकल रही है। अब सर्दी बहुत है, कौन उठ के जाए, और हमारे बारे में तो वैसे ही मशहूर है कि हम कर देते हैं, तो चलो अपनी शोहरत का फायदा उठाया जाए। हमें तो माफी भी मिल जाएगी कि ये तो बेचारा कर ही देता है। और ठंड बहुत है, थोड़ी देर के लिए गर्मा गर्म तो रहेगा मामला, फिर देखी जाएगी आगे की कौन सोचता है। उत्तरदायित्व तो लेना सीखो, मानो कि जो हो रहा है वो तुम जानबूझकर कर रहे हो, उसके प्रति तुम किस सीमा तक चैतन्य हो इसमें अंतर हो सकता है, लेकिन जो हो रहा है उसमें तुम हो जरूर। स्थितियों को बदलने के प्रति तुम गंभीर नहीं हो, इसीलिए अपनी जिम्मेदारी से कतराते हो। जब तक तुम मानोगे नहीं कि तुमने किया, तब तक रुकेगा भी नहीं। वारी।